जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आप सभी को एक गुड न्यूज़ है, आप सभी जितने मेरे दोस्त हैं इन सभी के लिए जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है उनके लिए वैकेंसी, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई उनके लिए राजस्थान SI की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 875 पोस्ट की ये वैकेंसी है, लगभग 859 मतलब 859 पोस्ट की वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके लिए इस बार ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि इसमें एज का जो छूट दी गई है वो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। अगर जिनकी ग्रेजुएशन नहीं भी हुई है या ग्रेजुएशन में अभी प्रवेश किया वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिसका सेकेंड ईयर कम्प्लीट हो गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि नई वैकेंसी आने की अपडेट आपको मैं देता रहूं और आप यहां से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूं राजस्थान पुलिस SI के, इसके फॉर्म आप सभी को पता है कि 7 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन नहीं तो अगर आपकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है और ग्रेजुएशन में आपका प्रवेश होना ज़रूरी है। यानी इसमें एक खास बात इस बार इस वैकेंसी में दी है वो है एज, 20 साल से 25 साल तक एज क्राइटेरिया रहता है। आप सभी को पता है CPO और जितने भी SI रैंक की वैकेंसी होती है उसमें 20 साल से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होता है, लेकिन इस बार इसमें एज में 20 साल से 27 साल यानी 2 साल की छूट दी गई है सभी को, जनरल कैटेगरी को यानी 27 साल। इसके अलावा OBC को अलग से छूट है, SC को अलग से छूट है, ST को अलग से उनका जो गवर्नमेंट जैसे 3 ईयर और 5 ईयर का जो छूट है वो है। तो यानी आप 20 साल से 27 साल के हो तो भी इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया से कोई भी इसको फॉर्म भर सकता है। उसको बात यह है कि अगर अदर स्टेट वाला जो फॉर्म बंदा भरता है उसको जनरल मेरिट फाइट करनी पड़ती है। बाकी इसकी जो जनरल की पिछली मेरिट रही थी वो भी 50% के समथिंग रहेगी, यानी 400 का पेपर हुआ था, 200 के इसमें 2 पेपर होते हैं, उसमें से 400 का पेपर में से जिसके 210 के नंबर समथिंग थे उनका सिलेक्शन हो गया, यानी इसकी मेरिट भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस भर्ती की भी आप तैयारी कर सकते हो। इसके फॉर्म 7 फरवरी 2021 से भरे जाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अगर इसकी हम बात करें सबसे पहले इसमें आपको एक पेपर होता है, एक ही दिन 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले पहला जो पेपर होता है उसमें GK GS और हल्का सा रीजनिंग और मैथ आता है, मतलब रीजनिंग मैथ का ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन GK और GS सबसे ज़्यादा आती है, मतलब राजस्थान GK आती है, इंटरनेशनल GK आती है, इंडियन GK आती है, साइंस आती है, कंप्यूटर आता है और साथ में हल्का रीजनिंग और मैथ होता है पहला पेपर। दूसरा पेपर पूरा का पूरा हिंदी का होता है, 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के। इन दो पार करने के बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और फिजिकल का पूरा टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद में दोस्तों फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू वाले टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक इसमें और ख़ास बात है कि इसकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2022 से काउंट होगी, मतलब अगर आप 18.5 साल के तो भी फॉर्म भर सकते हो, यानी 19 साल अगर 4 महीने के आप हो गए, 3 महीने के भी हो गए तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। यानी 19 साल 3 महीनों से लेकर 27 साल और OBC वाला 30 साल ST वाला 32 साल का है तो भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपको पता है SI पोस्ट की सिविल पुलिस में कितनी अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें 4 कैटेगरी में बांटी गई है सीटें, जैसे RSC राजस्थान पुलिस अलग अलग, तो वो आप डिटेल में आपको सभी को मिल जाएगी। तो आप ये फॉर्म अगर आपने तैयारी करना नहीं शुरू किए तो कर दीजिए दोस्तों। इसका जो सैलरी है वो 4200 ग्रेड पे, यानी बहुत अच्छी सैलरी है। 4200 ग्रेड पे का मतलब हो गया कि 35,000 के समथिंग कुछ इसके पेमेंट बनेगा दोस्तों। उसके अलावा इसका जो फिजिकल है, फिजिकल में 168 सेंटीमीटर यानी हाइट भी बहुत ही कम मांगी है, 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, यानी फीमेल को छूट बहुत ही अच्छी छूट दी गई है हाइट के लिए, यानी बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों। चेस्ट है वही 81 से 86 चेस्ट है, SC ST के लिए अलग से छूट दी गई चेस्ट में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसका फिजिकल का बात दोस्तों मैं बता दूं कि ये फॉर्म 7 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक भरे जाएंगे और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो यानी ऑल इंडिया के इसमें कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान वाले तो भर ही सकते हैं, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं भी हुई है यानी ग्रेजुएशन होने वाली है तो भी ज़रूर अप्लाई करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।